हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉर्टोइस ट्रेडर्स। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो है आइशर मोटर्स का डेली चार्ट। अगर आप इस स्टॉक का इमीडिएट ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि स्टॉक लगातार अपने लोअर पीक्स बनाते हुए नीचे के साइड पे मूव हो रहा था, और कोई भी प्रीवियस पीक, यानी कि जैसा आप देखें ये जो पीक है ये भी नहीं टूटा, ये जो पीक है ये भी नहीं टूटा, लेकिन ये जो पीक है, ये लेवल जो पीक्स के हैं, ये टूटने को आज के डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से दिख रहे हैं। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर के साइड पर मूव करता है तो हमको सबसे पहले इस रेजिस्टेंस लाइन को मार्क कर लेना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर कोई पास में स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3100 का स्टॉप लॉस लगाकर चुपचाप शांति से ट्रेड में बैठेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर के साइड पर मूव करता है तो जो नेक्स्ट पिवट लेवल, यानी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देते हैं, वो आते हैं इन लेवल्स के अराउंड, जो मेजर रेजिस्टेंस है लगभग 3480 के अराउंड। और यहाँ से भी स्टॉक अगर ऊपर के साइड पे मूव करता है तो इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएंगे वो लगभग इसके ऑल टाइम हाई लेवल्स आएंगे, जो आते हैं लगभग 3700 के अराउंड। तो यहाँ से स्टॉक को डेफिनेटली ऊपर के साइड पे मूव तो करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे स्टॉप लॉस हमको रखना होगा इन लेवल्स का, जो आता है 3100 पर। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर RSI लगाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी नजर आएगा, यानी कि प्राइस जो है ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, लेकिन जो RSI जो है वो आपका ऊपर के साइड पे मूव हो रहा है। सो इसी तरीके से हम लोग को अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है और प्राइस को जैसा जैसा वो मूव कर रहा है उसके हिसाब से अपने ट्रेड को भी लेना होता है। तो इसी तरीके से वीडियो के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अवर फेसबुक पेज एज वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।